भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भैया बस अब भारत माता की। मंच पर उपस्थित आजादी के बाद देश में गरीब कल्याण के लिए न केवल भाषण नीचे तक अपने कर्तृत्व से गरीब कल्याण की भावना को पहुंचाने में सफल रहे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यगण और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और कार्यकर्ता मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी के माध्यम से देश भर के लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मित्रों। और ये होली देश और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए एक अनोखा रंग लेकर ये होली आई है मित्रों। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, वो 5 राज्यों में 5 राज्यों की जनता ने 2014 में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था, इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर प्रधानमंत्री जी के काम पर अपनी मुहर लगाई। मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, एक बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की जीत हर प्रकार से अप्रत्याशित कही जाए ऐसी जीत है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी इतने ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, उत्तराखंड में भी 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मणिपुर और गोवा दोनों जगह वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा समर्थन किया है और इसके साथ साथ हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। मित्रों, ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव एक प्रकार से मेरे दृष्टि से देखे तो 2014 के ऐतिहासिक मैंडेट से भी 2 कदम पार्टी को आगे ले जाने वाले चुनाव। 2014 में जब मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री के नाते नेतृत्व करना शुरू किया, उस वक्त पूरे देश में अनिश्चितताओं का माहौल था। सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से घिरी हुई थी और हर जगह पे अनिश्चितता और आशंका का माहौल था। ये 2014 से 2017 की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का इतिहास देश के आजादी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला इतिहास है। जब प्रधानमंत्री जी को एनडीए के सारे संसद सभ्यों ने मित्रों, प्रधानमंत्री जी को जब एनडीए के सारे संसद सभ्यों ने नेता चुना, उस वक्त संसद के भवन में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो सरकार
गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासी और किसानों की सरकार है। और ये भाषण आज 3 साल के बाद हम कह सकते हैं कि भाषण ये महज भाषण नहीं था, उस भाषण के पीछे प्रधानमंत्री जी का कर्तृत्व और परिश्रम मिलकर ये सरकार ने सिद्ध कर बताया है। नोटबंदी के कदम से इस देश के गरीब ने अपने आप को नरेंद्र मोदी सरकार के साथ, भाजपा सरकार के साथ जुड़ा हुआ पाया है। 4 करोड़ से ज्यादा घर में शौचालय पहुंचाना, करीब करीब 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना, 16,000 गांवों में आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाना, और जनधन अकाउंट से लेस 5 करोड़ परिवारों को जनधन अकाउंट से लेस करना, ये चारों कदम ने और सुरक्षा कवच ने नरेंद्र मोदी सरकार को इस देश के गरीबों के साथ जोड़ने का काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में मैं जब घुमा तब मैंने देखा है फटेहाल कोई वृद्ध आदमी हो, कर्ज में डूबा हुआ किसान हो, या जिसको अपने भविष्य की मालूमात नहीं है ऐसा गरीब बच्चा हो, सबकी नजर में मैंने नरेंद्र मोदी के लिए श्रद्धा और अपनी आशाओं को जोड़ा हुआ देखा। मित्रों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज आजादी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय होने के साथ साथ पहली बार इस 125 करोड़ के देश में किसी एक राजनीतिक नेता ने गरीबों के मन में अपने भविष्य के लिए श्रद्धा पैदा की है, और ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आज जब हम मोदी जी का स्वागत करने के लिए मुख्यालय में इकट्ठा हुए हैं, तब मैं आप सबको बताना चाहता हूं मित्रों कि जनता ने हम पर जो विश्वास रखा है, पार्टी पर जो विश्वास रखा है, और विशेषकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व पर जो विश्वास रखा है भारतीय जनता पार्टी, वो विश्वास में खरा उतरेगी और जन भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। मित्रों, हम सब देश भर के कार्यकर्ता आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से गौरव अनुभव कर रहे हैं, और साथ साथ देश के करोड़ों गरीब, करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर भी मोदी जी के साथ अपने आप को जोड़कर गौरव का एहसास कर रहे हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं आज कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो आने वाले दिनों में हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक होते होते पश्चिम और दक्षिण के राज्य, पूर्व और दक्षिण के राज्यों में भी जाने वाली है। मित्रों, और ये भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2019 के चुनाव में फिर से एक बार, अभी जो बहुमत है उससे भी बहुत बड़ा मैंडेट लेकर मोदी जी के नेतृत्व में रुकेगा। मित्रों, आज आप सबके माध्यम से देश भर के करोड़ों लोग मीडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं मोदी जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी, हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये 5 राज्यों में जहां जहां गए, जहां जहां लोगों के बीच में गए, मिले, सबके मन में आपके लिए, आपके कर्तृत्व और आपके दिल में जो गरीबों के लिए अनुकंपा है, इसके कारण एक अनन्य श्रद्धा का भाव देखा है, और वो श्रद्धा देश और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक सबसे बड़ा, राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा विजय भारतीय जनता पार्टी को ये 5 राज्यों की जनता ने दिया है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने दिया है। हम सब साथ में मिलकर ये विजय के नायक
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का बहुत भावपूर्वक यहां पर स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मुझे मालूम है कि अभी दो साल बाकी है, दो साल बाकी है, दो साल में बाकी सारा काम भी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर फिर से एक बार 2019 में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मैं आप सबकी ओर से, आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करता हूं कि आइए पांच राज्यों की जनता और देश को संबोधित करिए। धन्यवाद।